सो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं अब हम, ठीक है जी। सामान देखो ये लग गया, वो ले जा रहे हैं, बाकी सामान मेरे बैग में। कोई तो गाइस देख सकते हो भाई ने पूरा जो है डिसमेंटल कर दिया है। अब धीरे धीरे सब सामान निकल रहा है इसमें, जैसे कि जो ड्रम प्लेट में से क्या हो रहा है, मीटर की वायर होती है वो निकल रही है, ठीक है जी। पूरा जो आगे का सामान होता है सारा खोल दिया भाई ने। पीछे का जो ये रियर वाला जो वायर है, ये पीछे रियर ब्रेक में जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या होता था, जब रियर ब्रेक में अप्लाई करता था तो आगे की ब्रेक भी लगती थी, तो जैसे इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं IBS, तो वो जो सिस्टम था वो इससे चलता था, ठीक है। अब क्या है कि वो तो रहेगा नहीं आगे ड्रम, तो ये भी काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये वाला तार पीछे निकालना पड़ेगा। अब देखना ये है कि पीछे की रियर ब्रेक जो लगती थी वो वैसी लगेगी या फिर उसमें कोई चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर कुछ होगा तो आपको बताऊंगा मैं इसी वीडियो में या इसके अगली वीडियो में, जैसे भी कुछ होगा आप बने रहो। बाकी भाई देखो लगे हुए ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। दुकान इनकी रोड साइड रहने वाली है, ये प्रहलादपुर वाला रोड है, ठीक है। पुल प्रहलादपुर मतलब इधर मेहरौली जा रहा है, इधर बदरपुर जा रहा है, ठीक है। दुकान जो है इनकी रईस नाम से है, रईस ऑटो वर्क। बाकी नंबर वंबर यहाँ दिख रहा होगा भाई का, ये काम करने वाले काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो इन्हीं को मैंने बोला कि भाई, मतलब वो जो भाई थे दो जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, वो भाई ने इनसे मिलवाया मुझे, और इन भाई ने जो है सामान सारा चेकअप करके यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो मतलब काम की नॉलेज अच्छी खासी है, तो इस वजह से कभी आप इस साइड रहते हो या इस साइड जा रहे हो आ रहे हो कुछ काम कराना हो तो यहाँ पे आप आ जाना। भाई का नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कोई भी इस काम से रिलेटेड या इंजन से रिलेटेड कुछ काम कराना हो तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि भाई देखो जो काम अच्छा करते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, तो काम अच्छा कर रहे हैं और काम की नॉलेज है, इस वजह से मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप जो है यहाँ पे आ सकते हो। बाकी भाई के चैनल से बांटे फुल यो कर रहे हैं कि भाई वीडियो में आ रहे हो क्या। सो गाइस आज हमारे जो लद्दाख के पीस फ्लैग हैं देखो कितने पुराने हो चुके हैं। बहुत भाइयों ने बोला कि भैया ये चेंज कर दो, बट मैं इसको चेंज इसलिए नहीं करता, ये मेरी लाइफ का ना पहला लद्दाख का पीस फ्लैग है। मतलब कि मैंने स्पेशल स्पीति से खरीदा था, लाहौल स्पीति से, सोचो कितना पुराना है। और ये जो है छोटी सी फ्लिक्स रेड वाली, ये स्पीति के अंदर चिलचम ब्रिज पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है ना। तो उस झंडे में से मैंने ये फ्लिक्स निकाला था, कहते हैं गुड लक के लिए होता है, तो ये भी इसमें बंधा हुआ है। तो 2018 से ये झंडा और ये फ्लिक्स मेरे साथ है, और ये रिबन तो आपको पता है, ये तो नज़र के लिए मेरी मम्मी ने मतलब धुआं पड़ के डालता, तो इसलिए लगा हुआ है। बाकी सब चीज़ें लगी हुई इसके अंदर, मैं कभी चेंज नहीं करता इसको। तो भाई टैंक से पेट्रोल लिया जा रहा है क्लीनिंग के लिए, जैसे कि ये जो फोर्क वगैरह है इसको क्लीन करेंगे, जो किसका मास्टर सिलेंडर हो गया, कैलिपर हो गया और ये रिम हो गया, मतलब इसमें जो जो सामान साफ करने वाला है ना वो प्रॉपर तरीके से साफ करेंगे पेट्रोल की मदद से। देन उसके बाद उसको ल्यूब करेंगे चेन, मतलब जो इंजन ऑयल होता है उससे अच्छे से ऑयलिंग करके देन इसके बाद इसमें फिट करेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी ये वाले फोर्क जो है कम्प्लीट निकाल दिए जाएंगे, देख सकते हैं ये वाले जो स्टॉक है जो कंपनी से मिलते हैं, बट इसमें हम लगा सकते थे, बट ये सीन ये है कि ये बदलना पड़ता हमारे को, बट फिर ये ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने ये कम्प्लीट एडिट रहन दिया है। कभी फ्यूचर में मेरे को ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई मुझे स्टॉक करना है मामला, जैसे कि आया था, तो मैं एज इट इज़ जो सामान यहाँ से पुराना लगवा रहा हूँ, ये सामान ऐसे उतार दूंगा और ये सामान एज इट इज़ लग जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है आगे का प्रोसेस देखो आप, बीच बीच में टाइम लैप के मजे लो और शॉर्ट्स के मजे लो, ठीक है ना। अभी देखो ऊपर से फॉर्क खोलेंगे भाई, क्या बात है। तो यहाँ तक वीडियो कैसी लगी आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और भाई सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काम करवा रहा है वाला, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना भाई। सब्सक्राइब कर लो, इस बाइक से राइड भी होने वाली है बहुत जल्दी। फिलहाल ये बाइक फिट करा लूँ, फिट कराने के बाद सलीम भाई के पास जाएंगे, पेंट भी कराएंगे इसके ऊपर, तो वो वीडियो भी आ जाएगी, और उसके बाद टेस्टिंग भी करेंगे इस पर छोटी सी राइड करके कि भाई सही चल रही चलने वाले को दिक्कत तो दे रही, ब्रेकिंग कैसी है, सब कुछ बताऊँगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिलहाल रोड साइड पर हूँ यार, बहुत ज़्यादा शोर है भाई, बहुत ज़्यादा शोर है।
भाई साहब ये देख सकते हो जो मेरे स्टॉक जो है स्टॉकर निकले हैं उसके और इसके सेम हाइट रहने वाली देखो बिल्कुल इक्वल है, बस फिटिंग भी सेम है, बस खाली फर्क है इस चीज का यहाँ पे कैलिपर माउंट होगा, कैलिपर के वजह से चेंज करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। बाकी जो इसकी फिटमेंट है वो एज इट इज एक्यूरेट 00 फिट है। अब देखना यहाँ पे ये है कि किस तरीके से यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, ये देखो जी फिटिंग एकदम ओके, क्या बात है यार। तो भाई नो वन कैन सेज कि भाई ये ऑर्डिनरी काम हुआ है, एकदम काम जेन्युइन हुआ है, मतलब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंशाल्लाह। ये देखो जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, लो जी लो फिटिंग एकदम 00, तो काम ओके हो गया। सलीम भाई तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत जल्दी आने वाला हूँ, ये जो ग्रे वाले जो पाइप है ना ये सिल्वर कराने वाला हूँ, ठीक है। रईस भाई कोई दिक्कत तो नहीं थी फिटिंग में? नहीं सही है, तो भाई की आवाज़ नहीं आई, भाई ने मास्क लगा रखा प्लस हल्के बोल रहे हैं क्योंकि भाई देखो इनको हैबिट नहीं है, हमें तो हैबिट है तेज बोलने की भी और समझने की है, रोड साइड तो तेज बोलना पड़ेगा, बट भाई काम में अपने फोकस गढ़ाए बैठे हैं, काम पे बिल्कुल ध्यान है और काम एकदम बढ़िया तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। तो फ्रंट फोक जो हमारे फिट हो चुके हैं, मतलब मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी जो है ना ये सारा सामान इनमें फिट हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल 00 फिटिंग है यार। ये आ गया हमारा रिम, इसमें से टायर अनइंस्टॉल करेंगे और अनइंस्टॉल करके इसमें इस रिम के अंदर टायर लगा देंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस टायर के साथ ना हमारे को जो जो ये होती है ना गरारी मीटर गरारी ये साथ मिल गई है, एक्सल मिल गया साथ में, रिम देख सकते हैं पूरा पूरा ओके और प्लेट है वो भी ओके, ठीक है। ये रहा कैलिपर, ठीक है, ये इसका पंप और ये फिटमेंट पूरा पाइप वाइप सब कुछ, ठीक है। तो अब देखना ये है कि भाई क्या क्या फिटिंग आती है, बाकी मरघाट अपना फिट हो गया। ओ भाई साहब देखना, अरे मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया कसम से भाई, एक लाइक तो बनता भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, मेरी चेहरे पे काफ़ी अच्छी मुस्कान आ रही है ये देखकर के, मरघाट भी मेरा इसी बाइक का फिट हो गया है, शॉकर की जो हाइट थी वो भी सेम आ गई है, मतलब ये लगा लो बिल्कुल 00 मामला है भाई, बिल्कुल 00। ये खुशी का ही वेट कर रहे थे, समझ लो स्क्रैप में जो पड़ा था ना माल, ये खुशी का ही वेट कर रहे थे, अभी तो लग रहा है आपको स्क्रैप से मैंने माल लिया, देख सकते हैं इसकी हालत, बट आने वाले दिनों में ना आप कह नहीं पाओगे भाई ये स्क्रैप से लिया था या नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कंपनी से आया था। बाकी ये नील शर्ट में जो भाई हैं ये लगा लो अभी काम छोड़ के दोबारा आ गए, फिर लगे हुए मेरी बाइक के अंदर, तो यही होता है भाई आपसी प्यार और कुछ नहीं है। बाकी दो लौंडे जो है ये बड़ा खुश हो रहे हैं, कह रहे भैया हमें भी ले लो वीडियो में, ओए हाय कर दो भाई, ये लो अब तुम वीडियो में हो। तो गाइस सीन ऐसा है अब कि जो इस व्हील की जो अंदर से कंडीशन निकली ना तो उसमें क्या है बफिंग की ज़रूरत पड़ रही है। अब ज़रूरत की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी ट्यूब मैंने डलवा रखी थी इसके अंदर, अभी ट्यूब क्यों डलवाई थी ये भी आपको बताऊंगा, बट अभी सीन ये है कि जो इसके अंदर से कंडीशन है ना उसके लिए इसको अंदर से बफिंग कराना पड़ेगा, मतलब तो समझ लो क्लीनिंग का प्रोसेस होगा, तो उसके बाद ही ये जो है ट्यूब टायर जो है ट्यूबलेस होगा। सो अभी क्या करना है, फिलहाल ये ट्यूब जो है इसमें डलवा देंगे और ट्यूब डलवा के इसको फिट करवा के इसमें फिट करा देंगे, ठीक है जी। अब वो जो है बफिंग वाला काम वो मैं बाद में कराऊंगा, उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि अगर आपका रिम ट्यूबलेस ना हो तो उसको ट्यूबलेस किस तरीके से करें, उस टॉपिक के ऊपर तो वीडियो बना दूंगा जैसा भी कुछ होगा। फिलहाल आप ये काम देखो कि कैसा हो रहा है काम, ठीक है ना। भाई यहाँ पर जो है ना हवा एयर प्रेशर डाला जा रहा है और ये बैठ गई हमारी लाइन, ये एक्यूरेट लाइन आ जाएगी बाहर, इससे क्या बबलिंग नहीं मारेगा। अभी क्या है चाहे ट्यूबलेस नहीं है बट थोड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे दोबारा लेके आऊँगा, रईस भाई जब बोलेंगे तो फिर यहाँ पे टायर को ना हम ट्यूबलेस दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है ना इसका जो प्रोसेस है हमारा ये फिटिंग का ये हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद इसको ट्यूबलेस कराएंगे। और फिर मैं सोच रहा हूँ जब भी कराऊंगा इसको जो है पेंट वेंट जब भी कराऊंगा, क्योंकि बाद में खुलना खुलाने में ना बार बार लगेगा वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों भाई। तो गाइज अब लगने वाली है अपनी स्प्लेंडर के अंदर व्हील, और ये लगा लो व्हील लग के देखो स्प्लेंडर देखो, यहीं से खाली जज कर लो, ये खाली इस बाइक के मत्थे को मतलब कि वाइजर मरघाट और इसको देख के जज कर लो कि बाइक अपनी लुक कैसे देने वाली है। मुझे तो अभी से बहुत भारी लग रही है भाई, जो बात है यार नो डाउट बहुत भारी लग रही है, ये देखो जी। ओ रे भाई साहब आ गया लुक कौन कहेगा बताओ, ये BA6 है। तो भाई अब तो मान गए तो फटाफट कमेंट कर देना, और रईस भाई को भी थैंक यू है, उस भाई को भी थैंक यू है कि भाई उस भाई ने बहुत हेल्प करी हमारी, ठीक है ना, काम हो गया यहाँ पे ओके, रिपोर्ट वाला लुक आ गया आपके सामने, ठीक है ना। ओए होए होए चलो टाइम लैप एंजॉय करो दोबारा।
गई, टायर हमारा फिट हो गया, डिस्प्ले फिट हो गई है, एक्सल फिट हो गया, इसके जो स्टॉक जो वायर था मतलब मीटर का वायर वो उसमें फिट हो गया, वर्किंग है। बट वर्किंग होने के साथ साथ ना एक दिक्कत आ रही है, जो इसकी जो कांटा होता है ना, ये सुई जो है ये समझ लो कुछ ऐसे ना जाकर ये ऐसे 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 जा रही है। तो अभी क्या सीन है कि अभी तो फिलहाल इसको चलाएंगे, बट आने वाले कुछ दिनों में जब इसको खुलवाएंगे ट्यूबलेस कराने के लिए, जब इसके टायर की जो वो गरारी है वो मीटर गरारी हम चेंज करा देंगे, जिसकी वजह से वो स्मूथ चलेगा, जो मीटर है हमारा वो स्मूथ चलेगा। फिलहाल इसके अंदर हम फिट कर रहे हैं डिस्पैड न्यू, ठीक है जी, किसके ASK कंपनी के रहने वाले हैं डिस्पैड, तो ये इसमें लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लगाने के बाद जो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। रही बात टायर की, तो भाई थोड़ा पैर मार के टायर घुमाना हल्का सा, ये देखो जी कितना स्मूथ टायर घूम रहा है, क्या बात है। तो अपनी खुशी के अंदर डिस्प्ले कर दी है भाई, ओके की रिपोर्ट, और काम चल ही रहा है यहाँ पे धनाधन, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब देखना ये है कि जो कैलिपर है इसकी, जो पिस्टन है ये जाम है या नहीं है, ये प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा। भाई मैं WD-40 है तो मार लो यार, हमारे पास तो है नहीं है। अच्छा तो फिर कैसे निकालोगे बाहर इसको, प्रेशर बन के निकल जाएगा। हाँ तो चलो ठीक है, तो फिर निकालो करो अपने हिसाब से। तो एक बार ट्राई कर रहे हैं इसको, अगर ये वाला काम कर जाएगा तो ये लगा देंगे, और अगर ये नहीं काम करा तो भाई एक और लेके आए जैसे कि वो पड़ा हुआ, बट उसकी कंडीशन थोड़ी रफ ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सही है। तो ये वैसे होंडा यूनिकॉर्न का है, वो ग्लैमर का ही है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये लगाने के लिए। बाकी देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं, जैसा भी कुछ होगा आपको बता दूंगा मैं। सिलेंडर फिट कर दिया ऊपर, ठीक है जी, ये देखो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई है, तो काफ़ी भारीपन आ रहा है, मतलब आगे से ना मतलब भरा भरा लग रहा है सेटअप जो है। ये देखिए आप आगे से जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर ये जो लग रही है डिब्बी ऑयल कंटेनर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बाकी इसकी प्लेसमेंट यहीं पर करिए, थोड़ा सा गैप दे दिया यहाँ पे, ताकि ये जो लीवर है, ये लीवर और इसका जो एक्सीलेटर का जो थ्रोटल है ये एकदम इक्वल रहे, वरना ये बाहर आ रहा था, क्योंकि इसके जो हाइट ना वो लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा बात करें आगे की, फ्रंट फोक की तो देख सकते हैं थोड़ा इससे जो काफ़ी भारी बना रहा है, और एग्जैक्टली वही फिटिंग हुई जो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट फिट है, ठीक है ना। बाकी इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा मैं, स्टे ट्यून्ड। तो भाई जो हमारा कंटेनर है ना ऊपर ऑयल जिसमें डालते हैं, उसमें से जो पहले का ऑयल है हालांकि वो साफ़ है, लेकिन फिर भी ना क्या कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा ऑयल है वो बाहर निकाल कर, अरे मुंह में ना चले जाए तुम्हारे कहीं। हाँ अच्छा ये टेक्निक सही है, कैलका सक करेंगे और वॉक्स नीचे डाल देंगे, ठीक है। तो ऑयल निकालेंगे, नया ऑयल डालेंगे इसके अंदर, फिर जो है एकदम प्रेशर ओके हो जाएगा। फिलहाल जो है अपनी खुशी के कोई ठिकाने नहीं, मतलब मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये देख रहा हूँ मतलब मज़ा आ रहा है मुझे सीरियसली भाई, ये हंस रहा लड़का, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, फिर देखिएगा ये देखो, देखो देख रहा है ना भाई, हट जाओ तुम यहाँ से, प्रेशर आएगा। तो भाई ऑयल रिफिलिंग हो गया, देख सकते हैं भाई के हाथ में नीली बोतल, और भाई पंप उसका प्रेशर बना रहे, जैसे प्रेशर बनेगा वैसी वो पाइप उसमें लगा देंगे, और यहाँ पे टायर अपना ओके, ये देखो बन गया, पर खुश किया हूँ, हाँ एकदम पिचकिया उसे निकली पिचकारी, सही है भाई सही है। तो ऊपर का मास्टर सिलेंडर तो एकदम काम कर रहा है, ओके की रिपोर्ट। अब बात करनी है नीचे के जो हमारा कैलिपर है उसके पिस्टन जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, बस अब खाली उसका दारमदार रह गया देखना, बाकी तो सब ओके ओके चल रहा है भाई, अभी तक तो सब ओके जा रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पे ऑयल रिफिलिंग हो रहा है डिब्बी के अंदर, और यहाँ से अब ऑयल नीचे जाएगा पाइप के थ्रू, और पाइप के थ्रू नीचे आकर फिर भाई इसकी एयर निकालेंगे, और एयर निकाल के फिर जो है इसमें ओके हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल दोबारे भाई देखो, हाँ ऑयल है अभी भाई, भाई पाइप में आने में टाइम लगेगा ना थोड़ा सा, आ गया पिचकारी मार रही है, मैं पीछे हो जाऊँ कोई पहले मेरे पिचकारी मार दे भाई साहब, कितनी भारी लग रही है ना सिलेंडर, खतरनाक भाई, बोल्ट यहीं कहीं होगा बोलिया, बोल्ट की भी क्लीनिंग हो रही है, बस भाई ये प्रॉपर वर्क करने लगे, जो इसके वो है ना अंदर जो पिस्टन होते हैं कैलिपर के अंदर, तो दो पिस्टन होते हैं, ठीक है, वो दो पिस्टन ऐसे बाहर निकलते हैं, अभी बस ये आगे सिस्टम करने वाला, पीछे का सिस्टम रह जाएगा, पीछे जो IBS का सिस्टम था ना, पीछे वाली ब्रेक से आगे वाला सिस्टम वो देखना पड़ेगा, पता चले उसके चक्कर में पीछे की ब्रेक ना लगे फिर तो मुझे पीछे भी डिस्क ब्रेक लगानी पड़ जाएगी इसमें खतरनाक वाला आई तो भाई, ये तो डायरेक्ट हो गया। तो गाइस पिस्टन विस्टन साफ कर दिया भैया ने, पिस्टन साफ करने के बाद ये लगा लो, अब कर रहे हैं इसको फिट, और फिट करने के बाद बनाएंगे दोबारा अगेन प्रेशर, और फिर देखेंगे टायर घुमाने के बाद ब्रेकिंग लग रही है या नहीं लग रही। चलो भाई छोटू दबाव कर दे,
तो ऊपर वो दबा रहा है, प्रेशर बना रहा है। ये देखो ओ बैठे लग गई, ओ लग गई, ओ कैलिपर उसका जो पिस्टन पीछे जा रहा है ना, वो निकाल के रेग माल सफाई होके फिर फिट होगा लग रहा है। चलो सही देख लेंगे। सो गाइस अपना ऊपर का तो सेटअप पूरा ऑल सेट है, ठीक है नहीं। इधर देख सकते हैं आप फिटमेंट एकदम ओके आ गई है, अपने मिरर लग गए, लाइट लग गई, स्विच लग गए यहाँ पे, एकदम सब कुछ ओके ओके चल रहा है। बट आगे का तो हो गया, एक दिक्कत आ रही है, जो प्लेट है वो 3.5 mm की है, इसमें लगी 3 mm की, लेकिन कोशिश ये कि इसको थोड़ा चलाकर देखते हैं, अगर चलाने के बाद अगर थोड़ा फ्री हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम प्लेट चेंज कर देंगे इसकी। बाकी अब रियर का जो हमारा कॉम्बी ब्रेक का सिस्टम है तो भैया वो खोल रहे हैं, पीछे का जो तार जो आगे आ रहा था ना उसको मतलब रिमूव कर देंगे वहाँ से, और सिंगल तार पे चलेगा ये फिर ये सिस्टम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से इसको खोलते हैं। तो गाइज अपनी खुशी जो है एकदम ओके हो गई है, बस आगे टायर जाम चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सामान नया है, पैड नया है, सामान सब नया है, तो इस वजह से जो है डिस्क ब्रेक जो है बहुत हार्ड चल रही है। बाकी रईस भाई जा रहे हैं ट्राई लेने, क्या बात है, क्या बात है, ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, गई अपने पैरों पर चल के गई है हमारी खुशी। तो भाई आ रहे हैं ट्राई लेकर, सही चल रही है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्या बात है, लोग चेक कर लो, सही चल रही है। दोस्तों इसके अंदर जो प्लेट लगी थी पहले वो थी 3.5 mm की, अभी वो क्या है कि वो दिक्कत दे रही थी, बहुत ज़्यादा टायर जाम चल रहा था जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही थी। तो अभी भाई ने 3 mm की प्लेट डाली है इसके अंदर, अब 3 mm की प्लेट इसमें सक्सेसफुल हो जाएगी भाई बता रहे हैं ऐसा। तो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो अगर इसकी ब्रेकिंग सही लगेगी तो ठीक है, वरना फिर नई 3 mm की प्लेट इसमें डाल जाएगी। अभी फिलहाल हम आरएनडी कर रहे हैं पुरानी से 3 mm से कि हाँ भाई 3 mm की सही चल रही है या नहीं चल रही, अगर नहीं चलेगी सही ये भी तो फिर कैलिपर खोल के देखेंगे उसमें जो भी होगा। वह तो ये बता रहे हैं भैया कि ये ओके हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली प्लेट भी ठीक लग रही देखने में, लेकिन बस वही है कि भाई ये बिल्कुल प्लेन है, एकदम समझ लो बेसिक प्लेट है, ठीक है। जितने ज़्यादा होल होते हैं उतना अच्छा होता है, गर्म भी नहीं होती, ठंडी रहती है, पर प्लस पकड़ भी सही बनती है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मेन तो ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए और टायर स्मूथ घूमना चाहिए, मेन कंसर्न ये है हमारा, ठीक है। सो गाइस भाई फिट कर रहे हैं, अब देखो ये फाइनल अटैम्प्ट है फिलहाल तो इस चीज़ का प्लेट के बदलने के बाद। अब देखना ये है कि भाई ये वाली प्लेट सक्सेसफुल होती है नहीं होती। वैसे भाई मैं तो यही दुआ करूँगा कि भाई सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ, ये लगा लो सुबह 12 बजे के आए हुए थे और अभी टाइम हो रहा है 5:05, तो ये लगा लो ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए, 12 से 5, मतलब 5 घंटे हो चुके हैं भाई हमारे को यहाँ पर। तो भाई ये लगा लो, अपना हालत भी ना चकनाचूर हो रही है कि बस जल्दी से मामला फिटिंग विटिंग हो जाए, और हम जो है हम भी थक गए, भाई जो कर रहे हैं वो भी यार उनकी मेहनत जो है वो भी लगे पड़े बेचारे करने कराने में। सेटिंग आउट हो रही थोड़ी सी, ये आ गया आ गया आ गया, मीटर तो कर रहा है काम है, चलो देखते हैं घुमाओ। तो भाई अब सीन ऐसा है, इसमें प्लेट तो फिट हो गई है, पहले से थोड़ा सा लूज भी हो गया है, बट वो ये कि भैया बता रहे हैं नया तुम्हारे पैड है और फिर ये पुराना मैकेनिज्म है, थोड़ा काम करेगा भाई तो फिर चलेगा। तो वो कह रहे हैं 50-1 किलोमीटर चला लो, उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता तो ठीक है, नहीं आएगा तो प्लेट तो हल्की सी टेढ़ी भी है क्योंकि वो पुरानी है, ठीक है। तो प्लेट भी चेंज करा रहे हैं ना, प्लस जो है कैलिपर जो है ना इसके पिस्टन जो है या तो कैलिपर ही नया डाल देंगे या पिस्टन जो भी होगा मतलब वो कर देंगे। तो कह रहे हैं वह तो मैंने देखो घुमा के देखा है, अभी आपको थोड़ा दबा ना भैया, हाँ दबा दो एक मिनट दो, तो ये देख सकते हैं, ये देखो घूम तो रहा है बट मेन ये है कि थोड़ा सा ना दिक्कत दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं चला के देखते हैं, थोड़ा 50-1 किलोमीटर अगर सही चलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लेट चेंज करा देंगे, ये प्लेट ना थोड़ी सी टेढ़ी भी है तो मैं प्लेट नहीं डलवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं अब हम, ठीक है जी, सामान देखो ये लग गया, वो ले जा रहे हैं, बाकी सामान मेरे बैग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस खाली ये है कि टायर जो है ना हमारा, ये देखो वैसे तो ठीक है लेकिन प्लेट हल्की सी ना, यहाँ पर ये 3 mm लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहीं पे इतने हिस्से में जाम चल रही है, देखो ये स्मूथ चल रहा है, अब ये यहाँ से जाम होना स्टार्ट हुई, थोड़ी सी प्लेट टेढ़ी है, तो पहले चला के देखते हैं इसको, अगर ये स्मूथ हो गई ठीक है, वरना फिर मैं प्लेट नहीं डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो गाइस फाइनली जो है देख सकते हैं हम, भाई साहब हमारी खुशी में काम हो गया, बाकी पीस स्लैग अभी बांधूंगा मैं इसको, ठीक है जी, और बाकी देख सकते हैं एकदम बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकिंग भी ठीक है, मतलब ये है कि अभी काम हुआ है नया नया तो थोड़ा धीरे धीरे काम होगा ओके हो जाएगा। बाकी भाई मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बस थोड़ा सा ना
यही बुरा लग रहा है कि यार पूरा 100% जो काम जेन्युइन होना था वो 100% नहीं हो पाया, 90% हो पाया, बस 100% में से 10% का जो है ना वो दिक्कत जो आ रही है वो इसकी आ रही है कि ना डिस्प्ले की, और बाकी तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपने देख ही लिया, सब चीज़ ओके चल रही है। लाइट चेक कर लें, फॉग लैंप ओके है हमारे, हेडलाइट भी ओके है, इंडिकेटर हाँ भाई, क्योंकि मैकेनिज्म छिड़ जाता है थोड़ा बहुत ना, तो होता ही है भाई, इसीलिए मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ। बाकी मीटर वर्किंग है, बस थोड़ी सी सुई है ना वो टू कर रही है, अगर ठीक हो जाती चलते चलते तो ठीक है, नहीं तो फिर गरारी नहीं डलवा देंगे। बाकी मीटर गरारी ओके है, हाँ मीटर गरारी भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई आज की वीडियो को एंड करते हैं, अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो ये काम तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, आपकी डिमांड मैंने फुलफ़िल कर दी है, मोस्ट अवेटेड वीडियो थी हमारे चैनल पर। और अब देखो मीटर में सही काम कर रहा है ना, मतलब सुई जो है अब एकदम ओके हो गई, वो धीरे धीरे चलते चलते ठीक हो जाएगी आई होप। मेरी डिस्क ब्रेक भी ये देखो काम कर रही है बढ़िया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इसके शॉकर जो है भरवाने पड़ेंगे शायद, वह तो ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी देखते हैं भाई। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड राइट से बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।